हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई एम फार्मासिस्ट न्यूट्रिशन सर्टिफाइड। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एसिक्लोफिनिक टैबलेट के बारे में, इसके यूज़, साइड इफेक्ट के बारे में और कैसे काम करती है, इसकी डोज क्या लेनी है और इसके इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन सी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए जिससे आपको इंट्रैक्शन ना हो और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो, और इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या आपको सावधानियां रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे दवाइयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी ब्रांड के बारे में, किस नेम से मेडिकल स्टोर पर आती है। एसिक्लो 100 मिलीग्राम को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जीरो डोल 100 मिलीग्राम को इपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोलोवीन 100 मिलीग्राम को माइक्रोलैब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिलेमेंस 100 मिलीग्राम को ताज फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, ये थी वो ब्रांड जिस नेम से मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। एसिक्लोफिनिक एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है और एक इसकी रिलेटेड जो आती है वो डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक भी यही काम करती है जो एसिक्लोफिनिक करती है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, डाइक्लोफेनिक क्या करती है, डाइक्लोफेनिक का जब आप लोग लेते हैं तो उससे गैस ज़्यादा बनती है, तो इसलिए एसिक्लोफेनिक डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद आपको ज़्यादा गैस नहीं बनती है और इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं जितने डाइक्लोफेनिक के होते हैं, तो इसलिए एसिक्लोफेनिक ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। एसिक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। इसका यूज़ पेन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इन्फ्लामेशन जहाँ कहीं पर सूजन होती है तो भी इसका यूज़ होता है, और आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है, और बैक पेन, जॉइंट पेन, हेडेक, तो सर में दर्द हो रहा है तो भी इसका यूज़ किया जाता है, और फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और डॉक्टर इसका यूज़ एंकिलोसिंग स्पॉन्डाइलिटिस में भी करते हैं। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो एसिक्लोफेनिक का डॉक्टर यूज़ करते हैं। कहीं पर भी बॉडी में अगर दर्द होता है एसिक्लोफेनिक डॉक्टर यूज़ करते हैं। एब्डोमिनल पेन में इसका यूज़ नहीं होता है। अगर किडनी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का दर्द है तो भी इस मेडिसिन को दिया जाता है, बट इसका यूज़ एब्डोमिनल पेन के लिए नहीं किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन दास हो सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की समस्या भी हो सकती है, और इसको लेने के बाद लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और वोमिटी, न्यूजिया, उल्टी भी आ सकती है, और ड्रॉसिनेस, सुस्ती भी आ सकती है इसके। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और डिजीनेस इस मेडिसिन को लेने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है। एसिक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है। इसका काम होता है पेन को रिड्यूस करने का। जब हमारी बॉडी में कहीं दर्द होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज कौन करता है, ये कॉक्स एंजाइम करता है। कॉक्स एंजाइम को साइक्लोऑक्सीजन कहते हैं, और ये कॉक्स एंजाइम मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को रिलीज करने में। तो जब ये और एसिक्लोफेनिक क्या करता है, एसिक्लोफेनिक कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जिससे कॉक्स एंजाइम बन नहीं पाता है, तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी नहीं बन पाता है और हमारी बॉडी का दर्द ठीक हो जाता है, और यही रीज़न होता है गैस बनने का। जब हमारी बॉडी से कॉक्स एंजाइम रिलीज होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये गैस से एसिडिटी की भी समस्या पैदा करता है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। इस मेडिसिन को लेने बाद क्या सावधानियां रखना चाहिए। मेडिसिन को लेने बाद अल्कोहल का सेवन ना करें, और इस मेडिसिन को लीवर प्रॉब्लम, जिनको लीवर डिजीज़ है उन लोगों को इन मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। किडनी डिजीज़ है कोई भी तो उसको भी, तो उनको भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, और हार्ट अटैक जिनको पड़ चुका है, हार्ट डिजीज़ है, तो उनको भी इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग में जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उन वुमेन को भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन का उपयोग करें। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन सी आपको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अवाकावीर, एसिटामिनोफीन, बारफीन, एलिनड्रोनिक एसिड, एसाइक्लोवीर, एलसिट्रिजीन, प्रीगाबालिन, डुलोजाइटिन, एस्प्रीन, एल्बुटेलोल, स्कॉर्बिक एसिड, लीवोथायरोजीन,
तो दोस्तों ये थी वो मेडिसिन। इस मेडिसिन को लेने के बाद इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इसकी डोज ये 100 मिलीग्राम की टैबलेट में आती है और ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में आती है पैरासीटामोल के। एसिक्लोफिनिक 100 मिलीग्राम होती है और पैरासीटामोल 350 मिलीग्राम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आप देखते हैं पैरासीटामोल के, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में अच्छा वर्क करती है, अच्छा काम करती है। ये पेन के साथ आपको फीवर भी रिड्यूस करती है आपका। इसलिए अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं पैरासीटामोल के एसिक्लोफिनिक के, तो आप 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। वैसे इसकी 100 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है जो आप सुबह शाम ले सकते हैं। वैसे बेस्ट यही रहेगा आप इसको पैरासीटामोल के साथ ही लें, सुबह शाम दोपहर। आप दिन में तीन टैबलेटें इसको ले सकते हैं। और वैसे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन की डोज लें, वही आपको बताएगा कि आपको इसकी कितनी नीड है, आपको कैसी डोज लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।